आप आई आर सी टी एप्लीकेशन में जा कर के पेमेंट करते हैं और इसकी जो पेमेंट अगर आप फ़ोन पे से करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं लॉगिन हो चुका है अब मुझे जो टिकट बुक करनी है यहाँ पर जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ कहाँ से कहाँ तक की जो है मुझे टिकट बुक करनी नहीं है जिसमें थोड़ी सी बेटिंग कम है तो इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया सेट करने के बाद जो है यहाँ पर जा कर के पैसेंजर डेट पैसेंजर डेट पहले से मेरी सेव थी तो उसको मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं पेमेंट करने का ऑप्शन आपको नज़र आता है यहाँ से आपको फ़ोन पे से पेमेंट करना है तो यहाँ पे देखिए सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे पे थ्रो भीम यू इस पर क्लिक करना है यहाँ पे रिव्यू जर्नी डिटेल पर क्लिक कर देना है यहाँ पे डिटेल वगैरह रिव्यू करने के बाद ये यह कैप्चा यहाँ पर हम डाल देंगे उसके बाद जो है प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमने क्यू आर कोड डाल दिया है प्रोसीड टू पे पर क्लिक कर दिया यहाँ पर फिर यस yes, पर क्लिक कर तो अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आई आर सी टी आई पे मल्टीपल पेमेंट ऑप्शन भीम यू पी आई तो बीच वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ़ोन पे का बड़ा बड़ा आइकन आ रहा है इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर जो है पे पर क्लिक करना है जैसे ही आप पे पर क्लिक करते हैं उसके बाद जो है यहाँ पर ओपन हो जाता है आपके फ़ोन पे में यहाँ पर इस तरह से अब आपको क्या करना है पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन दिए गए हैं एक तो आपकी यू पी और एक मोबाइल नंबर या तो आप अपने फ़ोन पे का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दें या उसकी फ़ोन पे की यू पी डाल दें दोनों तरीके में बताऊँगा तो देखिए जो यू पी डालने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है अपने फ़ोन पे में चला जाना है फ़ोन पे में जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रोफाइल में क्लिक कर देना है प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ओपन हो जाता है यहाँ पे आपकी यू पी दिखाई दे जाती है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना हो सकता है ये नीचे की साइड पे भी दिखाई दे रही होगी तो आप अपडेट कर लेंगे तो आप ऊपर दिखाई देगी तो इस पर क्लिक करना है जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके अलग अलग बैंक अकाउंट शो हो जाते हैं तो आप जो है किस बैंक अकाउंट से पैसे कटाना चाहते हैं जो आपके बैंक ऐड होंगे वो आ रहे होंगे तो मैं फर्स्ट वाले से ही पैसा कटाऊँगा उसके बाद नीचे के साइड पे इसकी यू पी आई डी नहीं जा इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है कॉपी करने के बाद वापस जाना है वापस जाने के बाद यहाँ पर वो पेस्ट कर देना है और यहाँ पर आपको वेरीफाई कर लेना है कि ये सही है कि नहीं तो यहाँ पे वेरीफ़ाई हो गई पेपर क्लिक करना है जैसे आप पेपर क्लिक करेंगे यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी रिक्वेस्ट की आपको इस तरह से मैसेज भी आएगी और फोन पे में ही आपकी मैसेज जाएगी वापस में फोन पे में गया तो यहाँ पे देख सकते हैं आ गया यहाँ से हम पेमेंट कर सकते हैं अब दूसरा तरीका है मोबाइल नंबर डाल के अब दूसरे तरीके से आपको क्या करना है अपना मोबाइल नंबर डालना है इससे आपका फोन पे अकाउंट बना हुआ है तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है सेंड ओ पर क्लिक करना है मोबाइल नंबर पर ओ जाएगा ओ आपको डालना है तो यहाँ से हम जो है वेरीफाई लॉग कर लेते हैं उसके बाद आपका फ़ोनपे यहाँ आ गया है पैसा सेलेक्ट हो गया है यहाँ पर पेपर क्लिक करेंगे जैसे ही पेपर क्लिक करेंगे यहाँ से रिक्वेस्ट चली जाएगी और फ़ोन पे में जा कर के आप जो है उसी रिक्वेस्ट वैसे ही जो है करके पेमेंट कर देंगे जैसे रिक्वेस्ट पहुँच गई है तो फ़ोन पे, पे से आपको पेमेंट करना जैसे है जैसे देख सकते हैं पहली रिक्वेस्ट है दूसरी रिक्वेस्ट है तो यहाँ से पे कर देंगे आपकी टिकट बुक हो जाएगी तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो वीडियो को लाइक जरूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद